नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 डिसीज 70-80% लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होना है। मान लीजिए 100% लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होना है, जिसका 85% लोगों को केवल लॉकडाउन का पालन करना है, क्वारंटीन रहना है और उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना वायरस है और वह ठीक हो जाएंगे कोरोना वायरस से संक्रमित होकर। 15% लोगों को ही टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी प्रकार का मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, उनको ही टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से भी 5% लोगों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी और आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से 100 में से जो 5% लोग हैं उनको ही क्रिटिकल पेशेंट हो सकते हैं, बाकी की जो 85% लोग हैं उनको पता ही नहीं चलेगा, जिसे हम मिस्टर इंडिया ही बोल सकते हैं। वो घूम रहे हैं, हमें आजू बाजू घूम रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि इनको कोरोना वायरस है या ये कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, छाती में जकड़न की प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार की प्रॉब्लम हो सकती है, सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको मुंह का स्वाद खराब हो सकता है, मुंह का स्वाद भी नहीं आ सकता और किसी सूंघने की क्षमता भी कम हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इस कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं हम 6 भागों में बांट सकते हैं कि किस किन किन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह के किस कंडीशन में किसको किस तरह के सिम्टम्स से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर सिम्टम्स से देखा जाए, किसी को तो सिम्टम्स ही दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनको कोरोना वायरस हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 85% लोगों को कोरोना वायरस से तो पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उन्होंने कोरोना वायरस होकर ठीक भी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में अगर मरीज के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में खराश की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर को, जो फैमिली डॉक्टर होता है उसको दिखा सकते हैं या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आप सिम्टोमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उससे भी आप ठीक हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कोरोना हुआ था या है भी, तो आपको ठीक हो जाएगा। अगर आप चौथी कंडीशन में अगर सिम्टम्स देखी जाएँ तो फीवर बहुत ज़्यादा आने लगता है, जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक मरीज को फीवर ठीक रहेगा, उसके बाद में मेडिसिन का असर ख़त्म होने के बाद में फीवर फिर से आने लगता है। इस कंडीशन में आपको एडमिट होने की ज़रूरत है और आपको या तो फिर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप मदद ले सकते हैं या फिर आप खुद भी हॉस्पिटल जाकर आप एडमिट हो सकते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा बलगम बनने लगता है और बलगम बनने के साथ साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम इतनी होती है कि उसको होना आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, ओटू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना ओटू सपोर्ट के नहीं रह पाता है क्योंकि इतना बलगम बनता है उसको कि सांस लेने में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके जो फेफड़े होते हैं वो नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले पाते, खुद सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उसको ओटू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तभी उसको रिलीफ मिलता पाता है। तो पांचवी कंडीशन में मरीज के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उसको खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बलगम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा बनता है कि उसको सांस लेने में उसके जो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, पंप नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उसको वेंटिलेटर की ही ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर के द्वारा ही उसको अंदर ऑक्सीजन दी जाती है क्योंकि नॉर्मल तरीके से जो ऑक्सीजन दी जाती है उससे वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता है, इसलिए उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर से ही वो ठीक तरह से उसके जो फेफड़े हैं वो ठीक तरह से सांस ले पाते हैं। तो उसको पांचवी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बुखार नहीं जाता, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। छठी कंडीशन में तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको पेशेंट को उल्टा लेटाना पड़ता है, इतना बलगम बनता है कि उसको उल्टा लेटा के ही उसको जो फेफड़े में जो बलगम बना हुआ है वो निकालना पड़ता है
और उसकी स्थिति बस आखिरी चरण में पहुंच जाती है, अंतिम समय में उसकी कंडीशन पहुंच जाती है। तो ये सारे जो 80% लोग में जो 5% लोगों की कंडीशन होती है, उसमें से कुछ लोग कोरोना वायरस को हरा कर घर आ जाते हैं और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जिनकी कंडीशन ख़राब होती है, जो पहले से ही किसी न किसी डिसीज़ से संक्रमित होते हैं, या फिर हार्ट डिसीज़, लीवर डिसीज़ हुई है, या फिर किसी प्रकार की डायबिटिक पेशेंट हैं, ऐसे कोई जो कोई लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले से ही चल रही है, वो तो बच ही नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में लोग बाग लोगों की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मरीज़ नहीं बच पाता। बाकी किसी और को डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि कोरोना मतलब मौत, कोरोना मतलब लोगों मौत नहीं है, लोग उससे डर रहे हैं, केवल डरा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना को मार कर ही भगाना है, आपको डरना नहीं है। तो इस तरह से 70-80% लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होना है, तो इस तरह के 6 प्रकार के सिम्टम्स लोगों में देखे जा सकते हैं, और किसी किसी को कोई किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हर से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।